आज हमारे देश का 71वां गणतंत्र दिवस है। आज के दिन आपको अनेकों देशभक्ति के वीडियो मिल जाएंगे, मगर आज मैं देशभक्ति की नहीं बल्कि देश के 9 अनसुलझे रहस्य लाया हूँ, वो रहस्य जो 1200 साल से अनसुलझे हैं। रूपकुंड लेक उत्तराखंड। रूपकुंड लेक हिमालय के पर्वतों में है, जिसकी ऊंचाई सतह से 16,470 फीट है। रूपकुंड लेक यहाँ पर मिले स्केलेटन के कारण फेमस है। इस तालाब में लगभग 200 लोग के नरकंकाल मिले हैं। माना जाता है कि ये लोग तीर्थयात्री थे जो इन पर्वतों पर भटक गए। इनके हड्डियों की जांच करने पर पता चला कि इन पर अभी भी इंसानी मांस, नाखून और बाल थे, जिससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये कुछ दशक पुराने ही होंगे, लेकिन कार्बन डेटिंग में ये पता चला कि ये 1200 साल पुराने हैं। खोजकर्ता और वैज्ञानिक अभी भी इन दो प्रश्नों के उत्तर तलाशने में लगे हुए हैं कि ये लोग एक साथ कहाँ जा रहे थे और इतने पुराने होने के बावजूद इन हड्डियों पर बाल और नाखून कैसे टिके रहे। यदांती मंदिर। यूँ तो इस मंदिर में कई चीज़ें देखने जैसी हैं। ये शिव जी का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में सबसे फेमस चीज़ है नंदी। इस मंदिर की नंदी अपने आकार में बढ़ती ही रहती है। ये नंदी हर 20 साल में 1 इंच बढ़ जाती है, जिसके कारण मंदिर का एक खंभा हटाना भी पड़ा है। और वहाँ के पुजारियों का मानना है कि ये नंदी कलयुग के अंत पर जिंदा भी हो जाएगी। जाइंट बैलेंसिंग रॉक, महाबलीपुरम तमिलनाडु। ये चट्टान 250 टन वजनीय, 20 फीट ऊंचा और 16 फीट चौड़ा है। इसे कृष्णास बटरबॉल भी कहते हैं, मगर इसका असल नाम वनरई कल है, जिसका मतलब होता है स्टोन ऑफ द स्काई गॉड। ये 250 टन की चट्टान 2 स्क्वायर फुट की जगह पर टिका हुआ है, और जिस जमीन पर यह टिका हुआ है वो बहुत फिसलन भरी है। 1908 में चेन्नई के गवर्नर को लगा कि ये कभी भी लुढ़क सकता है, इसीलिए उन्होंने 7 हाथियों की मदद से इसे हटाने की कोशिश भी की, मगर यह चट्टान ज़रा भी नहीं हिला। कोंका पास, लद्दाख। कोंका पास इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास है। इस जगह पर कई बार UFO देखे जाने की बात सामने आई है। एक बार एक विमान के सामने एक UFO जैसी चीज़ आ गई, लेकिन प्लेन के रेडार पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार जियोलॉजिस्ट की टीम वहां शोध करने गई तो उन्हें एक 4 फीट लंबा रोबोट जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई दिया। सोनिक बूम, जोधपुर, राजस्थान। दिसंबर 18, 2012 को जोधपुर में रहने वालों के साथ एक अजीब घटना घटी। वहां के रहने वालों ने बताया कि बहुत जोर की आवाज़ हुआ, जिससे खिड़की और दरवाजे के शीशे चूर चूर हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक सोनिक बूम था, यानी वो आवाज़ जो तब पैदा होती है जब कोई चीज़ ध्वनि के गति से तेज चले। लेकिन इंडियन आर्मी का कहना है कि वो लोग अपने प्लेन को शहरी इलाकों में टेस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। मैग्नेटिक हिल लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये इलाका बाकी इलाकों जैसा ही है, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पे कर छोड़ दें तो गाड़ी ऊंचाई वाली जगह पर ही जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये बस आंखों का धोखा है, मगर सच क्या है किसी को नहीं पता। लेविटेशन स्टोन, शिवपुर, पुणे, महाराष्ट्र। मुंबई से 180 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव शिवपुर में एक फेमस उड़ता हुआ पत्थर है, जिसका वजन 200 किलो है। अगर 11 लोग अपने राइट इंडेक्स फिंगर से इस पत्थर को छूकर कुमार अली दरमेश का नाम बोलते हैं तो ये पत्थर उनके सर की ऊंचाई तक उठ जाता है। कई बार तो ये पत्थर उनकी उंगलियों से भी ऊंचा चला गया था। बीच ऑफ डेथ, सूरत, गुजरात। डूमस बीच या बीच ऑफ डेथ एक भूतिया जगह है। वहाँ पर जाने वालों का बताना है कि वहाँ पर किसी की रोने की आवाज़ आती है, मगर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। ये बीच पहले हिंदुओं का शमशान घाट था, और इस बीच पे कई लोग लापता भी हो चुके हैं, जिसके कारण लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यह भूतिया घटना है। द घोस्ट लाइट्स ऑफ सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जंगल सुंदरबन में रात में कुछ अजीब देखने को मिलता है। वहाँ के मछुआरों की माने तो उस जंगल में रात के समय एक रोशनी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि वो उन मछुआरों की आत्मा है जो वहाँ मर चुके हैं, और यह भी कहा जाता है कि जिसने भी इस रोशनी का पीछा करने की कोशिश की है वो ज़िंदा नहीं बचा।
और कुछ लोग कहते हैं कि वह एक शेरनी की आत्मा है। पुराने समय में राजा बनने के लिए एक शेर को मारकर यह सिद्ध करना रहता था कि वो व्यक्ति राजा बनने के योग्य है। तो एक बार राजा का बेटा एलिया भी शिकार करने गया। वहाँ पर एक शेरनी अपने बच्चे के साथ पानी पी रही थी। एलिया ने उस शेरनी का शिकार किया और वापस लौट गया। कुछ दिन बाद एलिया फिर शिकार करने आया। उसी जगह पर फिर से एक शेरनी थी। एलिया उसके पास गया और दलदल में डूबकर मर गया। उसके साथ आए लोगों ने देखा कि वो शेरनी और उसका बच्चा एक रोशनी बनकर गायब हो गए। दोस्तों, ये थे हमारे देश भारत के 9 सबसे रहस्यमय घटना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और आज हमारे देश का 71वां गणतंत्र दिवस है, इसका आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।